नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु मिश्रा आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ नीलम चंद्रा की पुस्तक रंग भरा तोहफा के अनावरण के उपलक्ष्य में। आज हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां विभिन्न क्षेत्रों से शामिल होने जा रही हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले उन सबको आपके साथ जोड़ना चाहूंगी। और इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं बुलाऊंगी हमारे अपनी प्रिय नीलम चंद्रा जी को। नमस्कार, स्वागत है नीलम। सलाम। थैंक यू नीलम, थैंक आप यू। जैसे कि कहते हैं आपका अपने ही घर में स्वागत है। और आज आपकी किताब रंग भरा तोहफा का विमोचन होने वाला है, और बिल्कुल अपने किताब की तरह ही आप रंग बिरंगी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और इस पर दो लाइनें मैं कहना चाहूंगी। हर लम्हा जिंदगी का एक कोरा सफा है, हर लम्हा जिंदगी का एक कोरा सफा है, कूची ख्वाहिशों की लेकर तुम इसमें रंग भर लो। तो आपने उसमें रंग भरे हैं और एक वो पुस्तक के रूप में उपस्थित हुई है, मूर्त रूप ले चुकी है। मैं अपने सभी दर्शकों से नीलम चंद्रा जी का परिचय करा देना चाहती हूँ। हालांकि आप सभी जानते हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर एक जैसे कि एक फॉर्मेलिटी है और एक करना है, तो मैं फिर से बताती हूँ। नीलम चंद्रा जी एक इंजीनियर हैं, कविताएं और कहानियां लिखना आपका शौक है। आपके 5 उपन्यास, 1 उपन्यासिका, 6 कहानी संग्रह, 32 काव्य संग्रह व 14 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी द्वारा आयोजित काव्य प्रतियोगिता में गुलजार जी द्वारा पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार 2014 में, रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद्र पुरस्कार, चिल्ड्रन ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार, पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा काव्य प्रतियोगिता 2017 में द्वितीय पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार, ह्यूमैनिटी अंतर्राष्ट्रीय वेमेन अचीवर अवार्ड 2018, भारत निर्माण लिटरेरी अवार्ड पुरस्कार इत्यादि। इतने पुरस्कार हैं कि हम पूरी रात आपके पुरस्कारों को बताते रहे, वो खत्म नहीं होंगे। आपके लिखे गीत मेरे साजन सुन सुन को रेडियो सिटी द्वारा फ्रीडम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 रिकॉर्ड्स हैं। नीलम को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा भी 2014 के देश के 78 प्रख्यात लेखकों में नामित किया गया है। स्वागत है नीलम। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, राजकुमार जाधव जी, सुरेखा, शोभा जी, अंजलि जी, ब्रिजमोहन जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अब इस श्रृंखला में इस किताब के पब्लिशर हैं, जिन्होंने इसको पब्लिश किया है, श्री अक्षत जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार अक्षत रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। थैंक अक्षत गुप्ता जी का मैं परिचय आप भी अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। अक्षत जी आईटी प्रोफेशनल हैं और विश्व की कई बड़ी संस्थाओं में काम कर चुके हैं, और कुछ साल पहले भारत वापस लौटे हैं। इंस्टीट्यूशनल पब्लिशिंग में पिछले कुछ 5 सालों से काम कर रहे हैं, और अभी पिछले साल से अन्य विषयों पर भी इन्होंने पब्लिशिंग शुरू की है। इनके द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकों का ट्रांसलेशन भी हो चुका है, और AKS पब्लिकेशन इनका नाम है जिसके तहत ये करते हैं। और इसके अब तक AKS पब्लिकेशन ने 16 फिक्शन एंड नॉन फिक्शन किताबें पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें प्रमुख है लाइन्स ऑफ फेट, ओम, द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, हार्ट ब्रेक एट कॉफी शॉप। स्वागत है अक्षत गुप्ता गुप्ता जी आपका बहुत बहुत, और आशा जी है आप ऐसे और भी प्रकाशित करते रहेंगे और हम आपको बुलाते रहेंगे। अब हमारे अगले पैनलिस्ट जो हमारे टीवी की बहुत सुविख्यात पर्सनालिटी हैं, मैं उनको जोड़ रही हूँ। स्वागत है राखी जी का, राखी बख्शी। राखी बख्शी जी को आपने जरूर देखा होगा, ये सुविख्यात पत्रकार हैं जिन्होंने दूरदर्शन, जी टीवी, इंडिया टुडे आदि में राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में कार्य क्रिया कर रही हैं। हर वर्ड, HER, हर वर्ड ये संस्थापक और एडिटर इन चीफ हैं।
एबीपी न्यूज़ पर राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हैं। राज्यसभा टीवी पर द क्वेस्ट शो होस्ट करा है इन्होंने। इराक युद्ध, कारगिल युद्ध को भी कवर किया है वो मैम। कभी मौका मिला तो हम उसके संस्मरण जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। और ये जूरी मेंबर हैं, राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं और बहुत कुछ हैं। स्वागत है मैम बहुत आपका, शुक्रिया, राखी जी। बहुत शुक्रिया। और हमारी अगली पैनलिस्ट हैं मैडम सुधा दीक्षित जी। स्वागत है सुधा दी, नमस्कार। सुधा सुधा दीक्षित नमस्कार। जी जी मैम, सुधा दीक्षित जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर किया है इन्होंने। बीएचयू से कानून की पढ़ाई की है। कविता लिखने का शगल बचपन से है। 40-50 काव्य संग्रहों का हिस्सा है। पिक्टोरियल पोएट्री की बहुत प्रेस्टिजियस कॉफी टेबल बुक्स पे भी इनकी कविताएं हैं। अब तक 5-6 किताबें छप चुकी हैं। गजलों की किताब दश्ते तन्हाई है। अंग्रेजी के काव्य संग्रह लोन वांडरर, स्पार्क्स अंडर द एशेस आदि अनेक किताबें और कविताएं इनकी प्रकाशित हुई हैं। फेसबुक पर काफी एक्टिव हैं। बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजी गई हैं। हिंदी लिखती, हिंदी में लिखती हैं, इंग्लिश में लिखती हैं और जितना अच्छा लिखती हैं उतनी अच्छी चित्रकारी भी करती हैं। स्वागत है सुधा दी। थैंक यू सो मच। और हमारे इस सभा के अंतिम और मुख्य किरदार श्री मिलिंद के यूके जी हैं। आपका स्वागत है मिलिंद जी, अपना माइक। शुक्रिया, जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और मैं इनसे मिलके बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं और ये फिल्म राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और मूल से ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं। हाँ इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फिल्म डायरेक्शन में और पुणे से, और संजय लीला बंसाली के साथ ये काम कर चुके हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर। और इन्होंने खुद हिंदी मराठी में 10 फीचर फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, जिनमें उनकी बहुचर्चित फिल्म पाठशाला आपने जरूर देखी होगी, शाहिद कपूर और नाना पाटेकर वाली, हनुमान फर्स्ट बॉलीवुड एनिमेशन फिल्म, देवकी 27 अवार्ड जिसको मिले, देहरादून डायरी, मॉनसून फुटबॉल आदि। ये लोटस सूत्र के निश्रिन बुद्धिस्म के साधक और शिक्षक हैं। साई स्पाई लिविंग विद्यात्म, पता नहीं मैं सही पढ़ रही हूँ कि नहीं, के ब्रांड नेम के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये कुछ इज डेवलपिंग ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट कंसेप्ट इन द रिल्म ऑफ नेचुरल साइंस। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, अंजलि जी, सतबीर जी, आप सभी, प्रवीण जी, शोभा सक्सेना, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब चूंकि हमारे सारे पैनलिस्ट आ चुके हैं और हम आज का बुक लॉन्च करने वाले हैं, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि एक बार किताबें आप लाएं अपनी और रंग भरा तोहफा से दर्शकों को परिचित करवाएं। ये है रंग भरा तोहफा रंग भरा तोहफा जी। जिसमें करीब 14 कहानियां हैं और सभी कहानियां एक से बढ़कर एक हैं। बहुत बहुत बधाई नीलम और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस किताब के लिए। आशा है कि ये थैंक यू। बहुत चर्चित होगी और ये नए आयाम बनाएगी और बहुत बहुत प्रसिद्धि पाएगी और सफल होगी जैसे आपकी पहले की पुस्तकें हुई हैं। तो बहुत बहुत नील, शुक्रिया मैंने जी। तो इसकी सभी कहानियां पढ़ी हैं और बहुत ही अच्छा आपने लिखा है। सारी कहानी एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, बहुत सारे कलर्स को लिए हुए हैं, विभिन्न जीवन क्षेत्रों से, विभिन्न लोगों से जोड़ के आपने बनाई है कहानियां। तो कुछ बताइए आप किताब के बारे में, कैसे इसका आइडिया आया लिखने का और कैसे ये कहानियां आप मतलब कैसे ये पात्र चुनती हैं और कैसे ये इसका आइडिया आता है, कहानी का थीम कैसे चुनती हैं, कुछ इस पर हमारे दर्शकों से शेयर करें नीलम। थैंक यू रेनू। तो जिंदगी रंगों की कहकशा है और हम मलिन में डूब जाते हैं। जिंदगी रंगों की कहकशा है और हम मलिन में डूब जाते हैं।
क्या बात है। चुन रही हूं मैं गुलाबी नीला हरा, अब तो यही रंग मुझे भाते हैं। वाह, सुधा जी, मिलिन जी, राखी जी, अक्षत, मेरी सखी रेनू व हमसे जुड़े हुए सभी सुनने वालों को कोटि कोटि नमन। मेरे साथ इस खास मौके पर, इस खास इवेंट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। किताबें चाहे एक लेखक कितनी भी लिख ले, पर हर किताब उसके लिए उतनी ही प्रिय होती है। और फिर यह कहानी संग्रह तो आपके लिए एक रंगीन तोहफे के तौर पर आया है। बिल्कुल 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 पुस्तक प्रेमी इसे जरूर पढ़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है, और इस पुस्तक को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मेरी इससे पहली की पुस्तकों को दिया है। यहाँ पर यह बताना चाहूंगी कि मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो एकदम आम भाषा है। क्लिष्ट भाषा का उपयोग मैं कहानी में कभी नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सभी लोगों तक पहुंचे। कल दर्शकों के लिए एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी मेरे पेज पर अनाउंस होगा, उसका भी हिस्सा जरूर बनिए, भले ही मजे के लिए हो। तो यूं तो संग्रह का शीर्षक, जैसे कि रेनू ने पूछा, इसकी पहली कहानी पर दिया गया है, जैसा कि कहानी संग्रह में हम लेखक आमतौर पर करते हैं। परंतु जैसे ही मैंने ये कहानी रंग भरा तोहफा लिखी थी और इस कहानी का शीर्षक सोचा था, मैं जानती थी कि इन लफ्जों में बहुत कुछ है, बहुत वजन है, और मैं इस तरह की अन्य कहानियां लिखने वाली हूँ। इसी बात पर एक कविता पेश करने की मंच से इजाजत चाहूंगी, जो इसी शीर्षक पर मैंने लिखी है। जी, स्वागत है। रंग भरा तोहफा। वो सीली सी महक, वो यादों की चहक मजबूर कर रही थी मुझे कुछ बंद कमरे खोलने के लिए। वो सीली सी महक, वो यादों की चहक मजबूर कर रही थी मुझे कुछ बंद कमरे खोलने के लिए। कुछ भी तो नहीं था बस में मेरे, और चल पड़ी मैं दिल के मकान के अंदर बने इन खाली खाली से कमरों में। वाह, धूल से ऐसी मटमैली लग रही थी दीवारें, और कमरे की कैनवास के रंग इतने मलिन थे कि मुड़कर मैं वापस आने ही वाली थी, पर नजर आ गई वो रंगीन डायरी जिसका रंग अभी भी बरकरार था। मैंने दीवारों को साफ किया, कैनवास को पोछा, और फिर अपने थरथराते हाथों में लिए हुए वो हंसी सी डायरी उसका लम्हा लम्हा अपने हथेलियों पे रख उसे निहारने लगी। उन लम्हों के बुलबुलों में कुछ गम था तो कुछ खुशी, पर मेरी छुअन से गम के बुलबुले फूटने लगे और खुशी के बुलबुले और रंगीन होने लगे। ये रंग भरा तोहफा मैंने अपनी रूह की तिजोरी में कैद कर लिया और खुद को गले से लगाकर कहा, मुझे तुमसे प्यार है। तो वाह, ये है रंग भरा तोहफा और इसकी समरी। सच जिंदगी कितनी हसी है ना, परंतु इसका आभास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, और इस एहसास के सफर का ही दूसरा नाम जिंदगी है ना। मेरी बिल्कुल। ज्यादातर कहानियां जो हैं उसमें जो किरदार अपनी उस खुशी को किसी ना किसी रूप में खोजते हैं। आशा है आप भी इस किताब को उतना ही एंजॉय करेंगे जितनी खुशी मुझे इसे लिखते वक्त हुई थी। मैं माननीय सुधा जी, मिलिन जी, राखी जी की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल चुरा कर मेरे इस पुस्तक के नाम किए। अक्षत के साथ मेरा ये दूसरा प्रकाशन है। पहली पुस्तक लाइन्स ऑफ फेट इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी और ये बेस्ट सेलर लिस्ट में कई दिनों तक नंबर 3 पर रही, हॉट न्यू रिलीजेस पर नंबर 1 पर लंबे अरसे तक रही। थैंक्स अक्षत। यहाँ पर मैं जश्न इवेंट्स की सीमा सक्सेना को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी। मैं इस किताब के एडिटर ऋतु भटनागर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मेरी अब तक लगभग 20 किताबों की एडिटिंग की है और एक कहानी संग्रह का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। कवर पेज डिजाइनर रोहत तिवारी को भी शुक्रिया, और हमारी प्यारी एवं खूबसूरत होस्ट रेनू के लिए मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है उसको शुक्रिया कहने के लिए, फिर भी शुक्रिया। और धन्यवाद दीदी। अंत में एक फोर लाइनर रंगों पर ही। मैं तितली की जी फितरत रखती हूँ, रंग मेरे जहन में बसते हैं। मैं तितली की फितरत रखती हूँ, रंग मेरे जहन में बसते हैं। बिना वजह खुश हो लेती हूँ, मस्त मौला मेरे रस्ते हैं। बिना वजह खुश हो लेती हूँ, जी मस्त मौला मेरे रस्ते हैं। थैंक यू क्या एवरीवन। बात, बहुत बढ़िया।
सचमुच नीलम, बहुत जरूर मनभावन कहानियां हैं और जीवन के विभिन्न भावों को समेटे इंद्रधनुषी रंगों की छटा बिखेरती बेहतरीन तोहफा है जो लोगों को जरूर पसंद आएगा। हर कहानी एक दूसरे से अलग है, अलग अलग परिवेश, अलग पात्र दर्शाती है और आपको दुनिया के विभिन्न आयामों से परिचित कराती है। हर कहानी एक सबक देती हुई पॉजिटिविटी से ओतप्रोत है। तो और भाषा जैसा आपने बताया बिल्कुल सरल है, प्रवाहमय है और एक सांस में आप पूरी कहानी पढ़ जाते हैं और इतना ये बांध के रखती है। तो मैं अब अगला बुलाना चाहूंगी अक्षत जी को कि आपने नीलम जी की किताबें दो प्रकाशित की हैं और कैसा आपका अनुभव रहा और आगे भी आपका क्या विचार है, कौन कौन सी अभी और प्रकाशित करने वाले हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी थैंक यू अक्षत रेणु जी। जी। तो एक्चुअली सबसे अहम बात इसमें मैं ये भी एक ऐड करना चाहूंगा कि लाइंस ऑफ जी फेथ जी तो नीलम जी की थी, हाँ हमारे प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली पहली जनरल बुक्स की कैटेगरी में आने वाली किताब थी। तो वाह, बहुत बहुत बधाई थैंक नीलम, और आपको भी। यू जी। तो हमने लाइंस ऑफ फेथ से अपनी जनरल बुक्स की पब्लिशिंग स्टार्ट करी थी जी और रंग भरा, और अब तक हमने हिंदी में ट्रांसलेशंस 3 किताबों की हम करा चुके, और हिंदी में प्रकाशित पहली बार होने वाली हमारी पहली किताब है। सो बोथ द अच्छा, फर्स्ट ऑफ द पब्लिशिंग हाउस वो नीलम जी की तरफ से ही रहे हैं। और नीलम जी अच्छा ने जब मेरे को ये स्क्रिप्ट भेजी थी, आई थिंक हमारी बात हुई थी अक्टूबर या नवंबर में, तो उन्होंने तब मेरे को 2 कहानियां भेजी थी, एक रंग भरा तोहफा और एक हाँ अहम और दोस्ती। तो अच्छा ये 2 कहानियां, मेरी हिंदी बहुत बुरी है हाँ बट मेरी वाइफ ने ये 2 कहानियां पढ़ी थी और उसने मेरे को अच्छा बोला कि अक्षत ये किताब हमको प्रकाशित जरूर करनी है। तो वहां से जी सिलसिला जारी हुआ। हमने पहले जी टाइमलाइन सेट करी कि हम जान में करेंगे, फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से फाइनली अब हम फेब में इसको हम कर पाए हैं। चलिए। तो नीलम आपने सुना ना, आप अक्षत को नहीं उनकी वाइफ को भी धन्यवाद नहीं, अप्रूवल उन्होंने ही दिया है। मैं अक्षत के साथ साथ उनकी वाइफ, उनके फादर, सभी से एक तौर से जुड़ गई हूं, तो सभी जी को जी धन्यवाद। और अभी मिलिंद जी, जैसे आपने जैसे बताया मिलिंद जी के बारे में, वो बुद्धिज्म से काफी जुड़े हुए हैं, तो हमारी जी शायद नेक्स्ट मंथ एक कहानी आ रही है अबाउट अ चाइनीज लेडी जो कि बुद्धिज्म से प्रभावित होकर के इंडिया का सफर करती हैं बुद्धिज्म को स्टडी अच्छा करने के लिए, क्योंकि चाइना अच्छा बुद्धिस्ट अच्छा कंट्री है तो सही बट उसमें बुद्धिज्म को एज अ रिलीजन नहीं प्रीच किया जाता। वहां का बुद्धिज्म बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अभी द एक्चुअल कम्युनिस्ट, वर्ल्ड। जी जी कम्युनिस्ट कंट्री होने की वजह से जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू रेनू। धन्यवाद अक्षय जी, धन्यवाद अक्षय जी, आपने इतना जो अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत खुश है कि आप आगे भी, और नीलम ने आपसे इनॉग्रेशन करवाया तो जरूर आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, किताब तो होगी ही होगी क्योंकि हमने देखा है कि नीलम जिससे काम शुरू करवाती है वो बहुत आगे बढ़ता है। और जैसे कहते हैं ना कि वो पारस पत्थर जिसको छू ले वो सोना हो जाए, बस वही ये हाल तो है नीलम का अरे कि जिसे छू दे उसे जीवन आ बिल्कुल जाता है, और बहुत सारे बिल्कुल उदाहरण है। तो मैं दो लाइन कहना चाहूंगी इस पे, जिंदगी ढूंढ रही है वो रंग, चूंकि आज रंग भरा तोहफा है तो रंगों की बात तो होगी और जिंदगी की भी बात होगी। जिंदगी ढूंढ रही है वो रंग जिस रंग में तू नजर आए, जिसमें भी तू नजर आए वही रंग चाहिए। तो क्या बात है, क्या धन्यवाद। मैं अब बिल्कुल बुलाना चाहूंगी आज की मेहमान राखी बख्शी जी को कि वो रंग भरे तोहफे पे अपने कुछ विचार रखें और हम सबको उसे रूबरू करवाएं। राखी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा अपना लैपटॉप शिफ्ट कर रही थी अभी, तो कोई फिलहाल बात मैं नहीं। बिल्कुल तैयार हूँ रंग भरा तोहफा जी जी को आप सबके सामने, जिसको कहते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया इस किताब को लिखने के लिए नीलम जी आपका, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो एक होता है ना कि किताब से खुशबू आती है, वो जो बिल्कुल रंग रंग भरा तोहफा जब नाम ही आप सुनते हैं
तो और इस वक्त हम बसंत के मौसम में हैं, तो बिल्कुल वो जो खुशबू है, वो जो फूलों का मौसम है, वो जो रंग है, वो बिल्कुल सामने आ गए। तो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि विजुअली इट रियली टच्ड आवर सोल्स। तो बहुत ही खूबसूरत किताब है। और एक चीज मैं कहूंगी, जब मैं इसको पढ़ रही थी मुझे लगा कि और मैं कहना चाहूंगी यहाँ कि जब हम पढ़ते थे पहले, और अक्सर मैं कहती हूँ कि प्रेमचंद की जब हम कहानियां पढ़ते हैं, वो जो अपनापन होता है, वो जो बातें होती हैं, और जो सुर और स्वर होता है अपनेपन में कहे गए लहजे का, वो मुझे खुशबू इसमें दिखाई दी है, वो फ्लेवर इसमें दिखाई दिया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज के संदर्भ में रेणु जी, और पहले मैं रेणु जी को भी बहुत साधुवाद देना चाहूंगी इस बात के लिए कि मैं अक्सर एंकरिंग करती हूँ, लेकिन आज आपको एंकरिंग करते देख बहुत खुशी हो रही है। आप बहुत ही मधुर धन्यवाद और अच्छा बोलती हैं। और नीलम जी, मैम। आपको बहुत टाइम से मैं जानती हूँ, लेकिन हर बार चकित करती हैं आप अपनी लिखनी से। और इस बार आप बहुत ही सुंदर किताब लेकर आई हैं, जिसमें वो कहानियां जो हमारे आसपास हैं उसको, उनको आपने उकेरा है शब्दों में, वो कहानियां जो हम जीते हैं हर दिन अलग अलग किरदारों में, हमारे सामने होता है, घटित होता है, वो आपने लाई है इस किताब के द्वारा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के जमाने में जब हम ढूंढ रहे हैं इन सब चीजों को अपने आसपास, आप इस किताब को हमारे सामने लेकर आए। मुझे लगता है ये समय, ये संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ऐसे समय में, पिछला साल हमारे लिए थोड़ा परेशानी का रहा, तो इस वक्त जो आप किताब ये लेकर आई हैं, और मैं अक्षत को भी इसके लिए बहुत ही शुभकामनाएं दूंगी कि इस किताब को आप लाए, आपने सपोर्ट किया है, तो ये बहुत अच्छा लगा। जो कहानियां हैं वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल किरदार जो है जीवंत हैं, जीवंत है चाहे अपने वो कामना आसपास के हो। हैं जैसे जी। जी, तो बहुत ज्यादा समय इस पर मैं नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं कहूंगी कि आप सब इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप उसमें हैं, या वो किरदार आपके आसपास हैं, तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। रंग भरा तोहफा आपका अपना है, आपके आसपास है, आपके बिल्कुल जिसको कहते हैं कि माहौल में है, और उसको नीलम जी आप लेकर आई हैं। मैं आपकी कविताएं पढ़ती रहती थी, पर ये जो कहानियां आप लाई हैं, और कहानियां अपने आप में बहुत कुछ समेटता है, बहुत कुछ दे देता है आपको, और बहुत कुछ आपसे ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो वो आपने जो बिल्कुल है इस किताब में, रंग भरा तोहफा में, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम दर्शकों को जरूर कहेंगे इसे पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़ के बहुत सुख मिलेगा आपको। तो नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और शुभकामनाएं। डियर राखी, थैंक यू डियर राखी। जब भी हम मिलते हैं, आई डोंट नो हाउ वी क्लिक सो मच, मीन्स इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। एंड पिछली बार भी जब आप पुणे आई थी और बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो खत्म ही नहीं हो रहा था, तो होप दिस टुगेदरनेस लास्ट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। थैंक यू। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि राखी जी जुड़ती रहें हमसे और आती रहें हमारे सभी समारोहों में। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि कहानी तो भले सब अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन रहती है जहां तक मैंने पढ़ी है नीलम की कहानियां, सभी, चाहे नॉवेल हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, कोई भी विधा हो, पर एक चीज मैंने हमेशा पाई है कि उसमें बहुत पॉजिटिविटी रहती है। वो कहीं से भी गिर के खड़े होने की प्रेरणा जरूर देती है, ये सबक जरूर रहता है हर कहानी, हर कविता, हर उपन्यास में अभी तक जो मैंने पढ़ा, ये जरूर पाया है। आप भी इससे सहमत होंगे अगर आपने नीलम को पढ़ा होगा। अगली मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुधा मैडम को, कृपया आप अपने विचार प्रस्तुत करें रंग भरे तोहफे पर। सुधा मैम जी, शुक्रिया रेनू। मैंने इनकी कहानियां पढ़ी, एक्चुअली किताब तो मुझे कल ही मिली थी, वो भी शाम को। जी तो उससे पहले anyway, मैंने नीलम जी से कहा था कि भाई मुझे कुछ तो पहले से पढ़ने को दो, और इन्होंने तुरंत दो तीन कहानियां भेजी और मैंने उसी टाइम पढ़ ली थी जैसे ही इन्होंने भेजी। क्योंकि इन जनरल मैं जब कहानियां कहीं, और मुझे पढ़ने का बेहद शौक है, और फ्रेंकली मैं पढ़ती हूँ बिस्तर में बैठ के किताब हाथ में लेके, किताब की खुशबू, किताब के पन्ने पलटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, जी मोस्टली जिसे कहते हैं ना, जो थोड़ा बहुत आ जाता है फेसबुक पे उसको छोड़ के मैं नहीं पढ़ती। तो एनीवे, वो तो कहानियां पढ़नी ही थी मुझे। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जनरली जब मैं और कहीं कहानियां पढ़ती हूँ तो पेज पलटती जाती हूँ, क्योंकि
मुझे लगता है कि हर आदमी कुछ ना कुछ लिख देता है बिना सोचे समझे। कहानी की एक विधा होती है कि उसकी बिगनिंग हो एंड हो, उसमें एक मोरेल हो। वो मोरेल बहुत जरूरी है बिना अंत के, क्योंकि आप कभी भी पुराना वो पढ़े, चाहे वो कालिदास को पढ़े या किसी और विद्वान को, कहानी का एक तरीका होता है। तो इनकी कहानियों में मैंने वो पाया कि इन्होंने शुरू किया, उसको डेवलप किया और एक मॉरल पे जाकर के, एक नैतिकता के ऊपर जाकर इनकी कहानी खत्म हुई। अब बिल्कुल मैं थोड़ी बहुत फेमिनिस्ट भी हूं, तो जो इन्होंने लड़कियों को लेकर के, जैसे प्रतिग्रहण है या होशियारी, 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 हाँ, ऑफिस वो की एक मुझे कहानी, मुझे ऑफिस स्विंग कर दी, बहुत हाँ। पसंद आई, क्योंकि एक चीज उन्होंने दिखाई कि आवेश में नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी गलत उसमें पड़ गए हैं, किसी वजह से किसी आदमी ने फंसा लिया है सॉर्ट ऑफ, तो थोड़ा दिमाग का यूज करें, वो बड़ा जरूरी बिल्कुल है। और मुझे उसका एंड बहुत अच्छा लगा, जिस तरह उनकी नायिका ने जाके फोन किया वॉशरूम में और वो सब। बाकी जो एडॉप्शन के ऊपर इनकी कहानी है, उसमें भी एक तो वो है जिसमें तपन मोनिका को सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमेशा हर चीज को सरप्राइज नहीं देना चाहिए, कभी कभी उसका उल्टा असर हो जाता है, वो सरप्राइज ना होकर के हाँ एक बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें मोनिका ने टाइम लिया, अपने को संभाला और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो और एक और कहानी जिसमें वो लड़की बच्चा नहीं चाहती और उसे वो आदमी मिलता है जो बच्चा नहीं चाहता, तो जिसे कहते हैं ना कि एक सेटिंग सही हो जाती है, वरना एक चाहे और दूसरा ना चाहे उल्टा तो गड़बड़ होती है। लेकिन बच्चा एक बड़ी नेचुरल चीज है, और मोर ओवर बच्चा छोड़िए कोई भी चीज, किसी के लिए आप कभी भी बदल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बचपन में ये नहीं पसंद था तो आगे भी नहीं पसंद आएगा, आ सकता है, आदमी इवॉल्व होता है। इसमें वो लड़की इवॉल्व होती है क्योंकि उसको वो बच्चा दूसरे परिप्रेक्ष्य में मिलता है, और जब उसका तब्दीली की बात कर रही हैं, हाँ जी पति जी जी सदा जी, मुझे लगता है कि उनका उनका इंटरनेट हैंग हो गया है कुछ जी, हैंग हो गया, नेट शायद डाउन हो गया उनका। हाँ, नेट उनका हैंग हो गया। सुधा जी, तब्दीली कहानी की बात कर रही थी कि जिसमें वो शुरू में वो कपल नहीं चाहता था और बाद में वो एक अपने आउट हाउस में रहने वाले बच्चे के साथ, मैं नीलम सही हूँ ना, उसी कहानी की चर्चा कर रही थी और बाद में बहुत चाहने लगा और कैसे उनके घर में खुशियां आई और उनकी मनस्थिति जो डिप्रेशन में चली गई थी उस बच्चे की वजह से कैसे उबर पाई। तो बच्चे भी जरूरी हैं, आजकल का एक ये समाज बन गया है कि लोग नहीं, नौकरी के चलते या करियर बनाने के चलते नहीं करते हैं और उसी में डिवोटेड हो जाते हैं और बहुत समय निकल जाता था, पछताते हैं कि क्यों नहीं किया, अब क्या करें, लाइफ में कुछ रहा नहीं। तो सुधा जी शायद फिर से आ गई हाँ, हैं। अब जी मैंने सुधा कहा ना जी कि वो नेट की प्रॉब्लम हमेशा होती है। हाँ, जी 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 आप अपनी बात पूरी तो कर रहे पता थे, नहीं आप हम लोगों सुन ने रहे हैं बीच में सुना आपको। या नहीं। नहीं, हम सुन रहे थे, आप शुरू हाँ, तो मैं वो लास्ट शुरू कर कहानी, ले। अच्छा सुन रहे थे, ओके। हाँ, क्योंकि बीच में जी मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑफलाइन हो गई हूँ, तो हाँ मेरा हाँ कहने का थोड़ा मतलब यह है सा कि लेट लड़की को भी एक निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और उसमें हिम्मत होनी चाहिए। अधिकार तो था। होता है जिसका कि हम लड़कियां उपयोग नहीं करते, जो पहले माँ बाप जो कह देते हैं वो कर लेते हैं, फिर वो पति है। लेकिन किसी जगह अगर आपका कन्विक्शन सही है तो फिर एक निर्णय लेना, चाहे अलग होने का हो चाहे किसी और तरह। तो मुझे ये कहानियां बहुत अच्छी लगी, मतलब उस चीज, उस परिप्रेक्ष्य में कि भाई एक इन्होंने एक राह दिखाई कि हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा कर लो, व्हाई नॉट। तो वो भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी कहानियां, और ऐसा नहीं लगा कि भाई कोई भी कुछ भी लिखता, जी सोच समझ के लिखना और उसमें एक नैतिकता, एक वो चीज मुझे अच्छी लगी, और मुझे बड़ी खुशी नैतिकता है कि मुझे इसमें जरूरी है। शामिल किया गया, एक दोस्ती हो गई मेरी नीलम जी से। वो जी, आपका स्वागत है, हम बहुत लोग बहुत जरूरी है, खुश हैं एक कि आप कहानी में एक शामिल हुई। मोरेल होना, मतलब वो जरूरी नहीं है कि आप हाँ, और नैतिकता का यही मतलब नहीं है कि वो सच्चाई और ऑनेस्टी और वो सब भाषणबाजी, वो नहीं,
एक जिसे कहते हैं ना, आदमी का एक कन्विक्शन, एक उसका उसकी हिम्मत, वो भी एक तरह की नैतिकता है। तो बिल्कुल कुछ तो होना बिल्कुल चाहिए ना कहानी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना एक होना चाहिए, में। और एग्जैक्टली अपने लिए खड़े हो पाए, अपने हक के लिए लड़ पाए, इतनी हिम्मत तो दिखानी चाहिए, ये भी नैतिकता बिल्कुल में ही शामिल है। बिल्कुल नहीं, ये सब नैतिकता है, और वो इन्होंने इनकी कहानी में है जो मुझे बहुत पसंद आई। जी। तो अब मैंने तो ये एक तो एक करके नीलम जैसे खुद बिल्कुल मजबूत है, वैसे इनके किरदार भी मजबूत ही होते हैं, और जितनी भी महिलाएं होती हैं वो बिल्कुल पूरी पावरफुल होती हैं। अब मैं खुद मैं पावरफुल उनकी, हूं तो जैसे वो हाँ एक हाँ लाइन है हाँ ना तो वो रेनू, सॉरी, एक जी, लाइन है ना, ना रोए दिल, कहीं रोने से तकदीरें बदलती हैं। तो मैं विश्वास बिल्कुल इस पे करती हूँ कि बिल्कुल, रोना नहीं है, हाँ रोना नहीं है रोना कभी नहीं भी। है, बिल्कुल। थैंक एक यू चीज कहना सुजाती, चाह रही थी आपने मैं, राधे बिल्कुल को एक कहना चीज, चाहती है। हाँ ये कहना चाह रही थी, जोड़ना चाह रही थी सुधा जी जो ने जो कहा और ये महिलाओं के बारे हाँ में कहा, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल समझ में आई, और जैसे कामना एक कैरेक्टर किरदार याद आई मुझे, कि किस तरह से वो पूरे घर को अपना बनाती है नए घर में जाकर बच्चों के साथ और पति और उस पूरे माहौल में। तो ये जो सही में सुधा जी ने बिल्कुल सही कहा, उसी बात को बस संक्षिप्त में ऐड कर रही हूँ, कि महिलाओं के जो विभिन्न तरह के किरदार आपने और आयाम दिखाए हैं वो बहुत एक जरूरी चीज इसमें नजर आई, बहुत संदर्भ की है सुधा जी, तो बिल्कुल इस बात को आगे रख ही रही हैं, और मैं भी इस बात को आगे रखती हूँ कि अच्छा लगा कि इस तरह से नीलम जी आपने, खुद आप एक महिला हैं लेकिन उन महिलाओं के तरह तरह के आयामों को, उनकी उनके व्यक्तित्व को आपने मजबूती के साथ आगे रखा है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है इस किताब बिल्कुल में जी। नीलम और जी ये का बहुत जरूरी टाइम होता है कि वो एक बिल्कुल संदेश दे। अब मैं मिलिंद जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें रंग भरे तोहफे के लिए। जी, शुक्रिया रेणु जी। और जैसे कि ऑलरेडी राखी जी ने और सुधा जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है उनकी कहानियों का। मैंने 4 कहानियां पढ़ी है, पर वो कहानी बताने के, मैं अपने विचार बताने के पहले बता दूं कि इसके पहले भी मैंने नीलम की काफी कहानियां पढ़ी है, और उनके एक कविता संग्रह और एक हॉरर स्टोरी का जो कलेक्शन था जिनमें उनकी कहानी थी, उसे भी इनॉग्रेशन के लिए किताब खाने में हम लोग मिले थे। और वो बहुत ही खूबसूरत इवेंट था जो मैं आज तक नहीं भूला हूँ, जिसमें मेरी फैमिली भी थी, एंड वी स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल यू नो इवेंट इन लिटरेचर वॉट एवर वी अटेंडेड सो फार। और साथ ही में उनके एक किताब के लिए मैंने प्रस्तावना भी लिखी थी। तो इस तरह से नीलम के लिखान कार्य के साथ में मैं तो काफी सालों से जुड़ा हूँ इस तरह से, तो मैं पढ़ते रहता हूँ जी। उनका। तो नीलम ने और तो नहीं पूछा, मिलिंद जी मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप हाँ स्क्रिप्ट राइटर हैं और डायरेक्शन में हैं फिल्म तो इंडस्ट्री में, तो कोई बिल्कुल आप सेलेक्ट करने वाले हैं वो नेचुरल था, वो एकदम नेचुरल है, मैं उसी बात का आ रहा था। तो मैंने कोशिश भी की नीलम थी कि मैं उस करूंगा, जी? लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो फॉर्मेट और ये फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पर डिफरेंस वो है, वो मैं तो मैनेज हो जाता है बाद में, करेक्ट किया जा जी सकता तो है जी। बट कम बैक टू दैट सम अदर डे डेफिनेटली, कि हमारे फॉर्मेट थोड़े अलग से, तो इसके लिए, बट डेफिनेटली पॉइंट पे हम लोग जरूर मिलेंगे। वो मैंने वादा किया है नीलम से कि वो पॉइंट जरूर जुड़ेगा कहीं ना कहीं पर आकर। तो तब भी मैंने ये बात लिखी थी प्रस्तावना में, और वही बात इसमें भी है इस किताब में, कि जो राखी जी ने और सुधा जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि एक नेचुरलनेस जो है, एक एक स्वाभाविक चित्रण जो होता है जीवन का, बिना ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई पर्दे नहीं डाले हैं उसमें, यू नो, तो जी, हम या सोच रहे हैं बिना हमारे विचार आडंबर के, बिना आडंबर ये, के करेक्टर। वो एक जो कभी कभी ऐसा लगता कि मैं जैसे कि जानते कि कभी कभी मुझे ये शुरुआत में लगा कि ये इतना नेचुरल क्यों लिखते, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पढ़ने की आदत है, तब तक जब तक वो विचार फिर वो क्या है वो, तो मुझे थोड़ा इस बात घुमा हुआ कि ये क्यों हुआ ऐसे। पर बाद में मुझे समझ में आया कि मैं तो, कि मैं जरूरी थोड़ी कि मैं ही इसका यू नो रीडर हूं, तो इसके जो रीडर्स वो तो इस तरह से जिंदगी को समझना चाहेंगे ना, जिस तरह से वो चाहती है सब, जिस तो तरीके मुझे से भी जी तो इस तरह से मैंने वो उस कैरेक्टर को समझा। और फिर मैं समझ में आया कि
नीलम एक सिंपल घटना को, एक सिंपल घटना जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, एक लड़का जिसका खून, ऐसे बहुत ड्रामे होते रहते हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और हम भूल जाते हैं, लेकिन नीलम नहीं भूली उसे, उसमें से कहानी करेक्ट। और जैसे कि रंग भरा तोहफा में के अंदर में ये बात सोचना कि हमने इस बात पे किसी ने गौर नहीं किया कि जब दाहिना हाथ काम करना बंद कर जाए तो यू नो हम क्या बाएं हाथ से काम, सॉरी बाएं हाथ काम करना है तो दाहिना हाथ से, सॉरी लेफ्ट एंड राइट व्हाटएवर, तो वो थोड़े, तो ये बात हम, ये बात कहानी उस लड़के की नहीं है, ये हम अपने जीवन में अपने ही हिस्सों को, जो हम जिसको कमजोरियां समझते हैं उसको भुलाना चाहते हैं, कमजोरियों को नजरअंदाज करना चाहते हैं और इस तरह हम जिंदगी को पूरे नहीं जीते हैं। तो नीलम की कहानी का मैं अर्थ ये समझता हूँ कि जो हमारी कमजोरियां भी है उसको भी हम अपने जीवन का हिस्सा बनाए और उस पर तो फिर हम दोनों हाथ से काम कर सकते हैं, ये वो कहानी का मतलब है। तो वो कहानी को बताने का तरीका उसका बहुत अलग है कि एक हाथ चले जाता है इसलिए दूसरे हाथ से काम करके भी आप जिंदगी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जिसके पास दो हाथ है वो कहानी का इंतजार नहीं करे, कहानी का अर्थ ये है कि दोनों हाथ इस्तेमाल दोनों बटोरे। तो मुझे लगता है ये है, और ऑफ कोर्स होशियारी के अंदर में जो वुमेन एम्पावरमेंट का है, तो बिल्कुल ये तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये जो होशियारी है वो किस किस किस्म से होती है और किस किस किस्म से होशियारियों के, मतलब अगर मैं होशियारों के 10 कलर बता दूं तो वो कम पड़ जाएंगे, मतलब रंग भरे तोहफे के कई रंग तो आपको इस होशियारी में दिखाई देंगे। तो वो बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा है उस चीज को, और सीधा सीधा पकड़ा है, ज्यादा घुमाया फिराया नहीं, पॉइंट पे आ गए, वो ये है मामला वो है। और तब्दीली तो मदरहुड की एक बात ऐसी है कि मुझे मदरहुड को लेके एक बहुत बड़ा, जब मैं खुद यू नो फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन हूँ तो तब मुझे समझ में आता है कि बात हम पर्टिकुलरली मैं हमारे बुद्धिस्ट थे यू नो स्टडीज में भी शेयर करता हूँ कि जब तक मैंने अपने जीवन के ट्रेजर्स को, अपने जीवन के ज्ञान को, अपनी चीजों को, अपने वैल्यू को किसी एक जीवन को सुधारने में, बढ़ाने में और उसका संस्करण करने में नहीं किया, तो अंत में जाके मैं अपने जीवन को किस तरह से देखूंगा, मुझे लगता है खालीपन ही रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुराई होना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट। सो यहाँ पे होशियारी में मैं यही, सॉरी तब्दीली में मैं यही कहूंगा कि मदरहुड को मैं बहुत नो वाइडर नजर से देखता हूँ, सिर्फ अपना बच्चा नहीं, जैसे उसने देखा है उस बच्चे को भी देखती है उसी तरह से दूसरे के बच्चे। और ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं, तो ये मदर सिर्फ मैं नहीं देखता हूँ कि मदर के लिए, मदर यू हुड फादर के लिए भी है, मतलब एक आदमी एक पुरुष के लिए भी ये मदरहुड है, और ये मदरहुड का सबसे इसेंशियल हिस्सा है जो हमको बहुत खूबसूरती से तब्दीली में समझ में आता है। तो इस तरह से मैं चार कहानियां पढ़ी है, चारों कहानियों का मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअली स्पिरिचुअल जोन में जाके उसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे बहुत ही आई ट्राई टू रिलेट मोर विद द स्टोरीज। थैंक यू नीलम, और छोटी छोटी चीजों में से इतनी बड़ी बात आपने कही है, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू अक्षत एंड नीलम बोथ, दैट इट शुड रियली रियली रीच टू द ऑडियंसेस एंड रियली मेक देयर डिफरेंस टू देयर लाइव्स। थैंक यू, थैंक यू मिलन जी, थैंक यू मिलन जी, बहुत बढ़िया आपने विवेचना दी मिलन जी की, जैसे एक हाथ गया कि कई एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, और हमें उस बंद दरवाजे को ही नहीं देखते रह जाना चाहिए और अपना जीवन बिता देना चाहिए रोते रोते, हमें थोड़ा सा इधर उधर से देखना शुरू करना चाहिए और बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, नए रास्ते मिल जाते हैं। तो नीलम, आपकी किताबों के बारे में इतनी सुंदर विवेचना हुई और सबने अपने अपने विचार रखे और बहुत तारीफ हुई, अब हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे कि कुछ तो आप सुना दें अपनी किताब से, थोड़ा सा कुछ पैरा। जरूर। मैं अपनी पहली कहानी के ही एक दो पैरा आपको सुनाना चाहूंगी, जिसका शीर्षक ही है रंग भरा तोहफा। करीब 15 दिन के बाद अभय की दीदी उससे मिलने आई। उसके एक्सीडेंट के वक्त उसके बेटे राहुल को तेज बुखार आ गया था, इसलिए वो आ नहीं पाई थी। पहले जब कभी वो निराश हुआ करता था, दीदी ही उसे आशा की किरण दिखाया करती थी, परंतु ये दर्द ही कुछ ऐसा था कि दीदी क्या कोई आसमान का फरिश्ता भी उसकी मदद नहीं कर सकता था।
दीदी को देखकर भी ना ही उसे खुशी हुई और ना ही उसका आपकी बात आवाज करने कट का रही मन है नीलम, किया। नीलम आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है? हाँ अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। हाँ ओके। दीदी को देखकर भी ना ही उसे खुशी हुई और ना ही उसका मन बात करने का हुआ, पर नन्ही राहुल ने जब उसे मामू कहकर संबोधित किया तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये उस एक्सीडेंट के बाद उसकी पहली मुस्कान थी। दीदी उसके वाह पास उसके कमरे में आती और उससे बातें करने की कोशिश करती। वो कुछ पूछती या कहती तो वो उसका उत्तर बस एक या दो शब्दों में ही दे देता। अपनी तरफ से उसने दीदी से कोई बात नहीं करी। आखिर में उन्होंने उससे पूछा, अभय इस बार नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाई हूं? हर बार तुम मचलने लगते हो। अभय हरदम दीदी के सामने बच्चा बन जाया करता था। घर आने पर सबसे पहले यही पूछता, बताओ मेरे लिए क्या तोहफा आया है? और फिर जब तक वो रहती रोज उन्हें अपनी फरमाइशों की लिस्ट पकड़ा देता और दीदी भी उसकी हर फरमाइश पूरी करने में जी जान लगा देती। इस बार अभय जानता था कि तोहफा चाहे कैसा भी हो और कुछ भी हो वो उसे खुशी नहीं दे सकेगा। जब उसने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो दीदी ने उसके सामने बड़े करीने से पैक किया, एक पैकेट रख दिया और मम्मी को आवाज देती हुई दूसरे कमरे में चली गई। क्योंकि वो तोहफा दीदी ने दिया था अतः न चाहते हुए भी वो उसका रैपिंग पेपर खोलने लगा। अंदर से निकले हुए तोहफे को देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसमें एक पोस्टर कलर का सेट और कुछ ब्रश थे। इस भद्दे मजाक से उसका मन अंदर तक कांप गया। सब कुछ जानते हुए भी दीदी उस ऐसा कैसे कर सकती थी? उसने आवेश में और गुस्से में आकर सारे रंग उठाए और उन्हें जोर से फेंक दिया। पोस्टर कलर कांच की छोटी छोटी शीशियों में थे। ज्यादातर शीशियां टकराने से फूट गईं। उनके रंग कुछ दीवार पर तो कुछ जमीन पर बिखर गए। अपनी बेजान और बेरंग जिंदगी में रंगों का ये इंद्रधनुष देखकर अभय फूट फूट कर रोने लगा। जब आंसू खत्म हुए तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। गुस्से में कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे में घुसा। अभय उसको देखकर एकदम से सकपका गया और शांत हो गया। गुस्सा तो मन में उबल रहा था पर बच्चे के सामने कोई अपना गुस्सा दिखाता है भला? राहुल ने पहले कुछ देर कमरे का जायजा लिया और फिर अपनी सोतली बोली में अभय से बोला, मामू आपकी शीशियां टूट गई ना, इसलिए लोले हो। कोई बात नहीं, मैं नानी और मम्मी से बोल दूंगा, वो आपको नहीं डांटेंगी। चलो तब तक नीचे जो लंग गिल गए हैं हम उनसे दीवालों को लंगते हैं। तो यहीं पे मैं इस कहानी को खत्म करूंगी क्योंकि इस हाँ, और द कहानी एंड के सस्पेंस है एंड जाने लिए के लिए आप खुद पढ़े बिल्कुल नानी बहुत ही रोचक, और आपने बड़े भावपूर्ण सुनाया और बिल्कुल जैसे चित्र उपस्थित था और हम कोई फिल्म देख रहे थे उस तरीके से आपने पढ़ी कहानी। तो हमारे ख्याल से, और मैं दर्शकों को बता दूं कि अब हमारा स्टेज खुला है क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए, तो अगर आप कुछ पूछना चाहें, नीलम हमारे साथ हैं और उपस्थित हैं, तो आप कुछ लिखेंगे तो मैं वो प्रश्न उनके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी और वो जवाब आप उनको मिलेगा। और हमारे सभी पैनलिस्ट से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप कुछ अगर पूछना चाहें नीलम से तो आप उनसे पूछ सकते हैं। कुछ मिनट्स का हमारा ये राउंड चलेगा और फिर हम विदा लेंगे। तो शुरुआत मैं ही करती हूँ नीलम। मैं सबसे पहले पूछती हूँ, कैसे आप कहानी की रूपरेखा बनाती हैं, कैसे विचार आते हैं कि मुझे किस पर कहानी लिखनी है, कौन सा करेक्टर ढूंढना है, कैसे शुरुआत कैसे होती है? देखिए, शुरुआत तो आसपास से ही होती है। जैसा कि कई पैनलिस्ट ने इससे पहले कहा, तो इस कहानी को सोचा तो मैंने तब था जब मैं बॉम्बे में पोस्टेड थी और दादर स्टेशन पे वाकई एक बार बैठी हुई थी क्योंकि तब मेरा घर दादर के पास था।
और किसी से मिलने का मैं भी इंतजार कर रही थी, कोई गेस्ट मेरे घर आ रहे थे, तो तब ये कुछ इस तरह का सीन मेरे दिमाग में चला कि यदि ऐसा हो जाए तो। परंतु उसके बाद तब तो मैं कहानियां बहुत नहीं लिखती थी, तो ये वही विचार की श्रृंखला टूट गई। फिर उसके बाद 5-6 सालों बाद फिर वो सीन अचानक एक दिन मुझे याद आ गया, जब मैं फिर से बॉम्बे विजिट किया था मैंने, और तब मैंने ये कहानी लिखी। तो आसपास की घटनाओं पर ही मेरी कहानियां आधारित होती हैं और प्रेरित होती हैं, और ऐसी कहानियां ही लिखना चाहती हूँ जो ऑप्टिमिस्टिक हो, क्योंकि दर्द और गम तो हर कोई बांटता है, यदि हम थोड़ी खुशी बांट सके तो। बाटे तो क्या या बुरा, हाँ, सच्ची बात क्या होगी। जी, जी, आप में से कोई पूछना चाहेगा? राखी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी यही कि नीलम, जो भी कहानियां मैं पढ़ रही थी और जैसे हम बात कर रहे थे उन महिलाओं के किरदार की, या उनके साथ साथ जो और भी किरदार हैं आपकी कहानियों में, तो कुछ ऐसे मतलब आप अभी कह रही थी दादर में पोस्टेड थी, तो आपने उसको जिया, उसको देखा, अनुभव किया, इसलिए लिखा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शायद आपके सामने नहीं हुई हो, आप उसको इमेजिन कर रही हैं, आप सोच रही हैं कि ऐसा हो सकता है, और दैट्स वही कहानियों का असली एक रंग भी होता है, उसका एक उसकी एक रूह होती है, कि जहां पे आप काल्पनिकता को बहुत जीवंत रूप पे सामने ले आती हैं। तो वो कैसे आपने किया कि बहुत सारे किरदार जो शायद कहाँ से आप लाएं, क्या वो सब आपको लगा कि आपने कहीं ना कहीं उनको ढूंढा है और फिर प्रस्तुत किया, या फिर सोचा उनके बारे में? सोचना ही ज्यादा होता है। मैं शायद बचपन से कहानियां सुनाने का शौक रखती हूँ। हम मेरे भाई बहन जो थे मेरे से काफी छोटे थे, भाई करीब 10 साल छोटा था और बहन 8 साल छोटी थी, तो उनको कहानियां सुनाने से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और शायद वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। फिर बेटी को कहानियां सुनाती रही, तो मेरा इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मुझे लगता है अब। तब तो नहीं लगता था, परंतु अब लगने लगा है। और जैसे जो पहली कहानी की भी बात थी, उसमें सिर्फ वो रेलगाड़ी का सीन मैंने देखा था, परंतु एक लड़का हो सकता है जिसके साथ ऐसी घटना हो सकती है, वो तो मेरा इमेजिनेशन ही था। तो कुछ कहानियां वास्तविकता और कल्पना के बीच की होती है मेरी, तो बस इसी तरह ये कहानियां सज जाती हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत सुंदर। नीलम। और कल इसी को रचनात्मकता कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि हम कहाँ कहाँ से उकेरते हैं वो विचार, वो अनुभूतियां, और उन सब को कहीं ना कहीं पिरोते हैं, जो आप अपनी कहानी में लाती हैं, कोई अपनी कविता में लाता है, आप अपनी कविता में लाती हैं, और इस तरह से जो एक रचनाकार होता है, या फिर मिलिंद जैसे फिल्मकार जो उसको पर्दे पर ले आते हैं कहानियों के द्वारा, तो और सुधा जी जैसे कथाकार जो उसको लाती हैं अपने शब्दों में, तो यही एक सौंदर्य है, यही एक ब्यूटी है क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता की, और इसी को हम यहाँ पर बार बार इसी उत्सव को, कला के उत्सव को, पुस्तक के द्वारा, आपकी पुस्तक के द्वारा नीलम, यहाँ पर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। बहुत 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 शुक्रिया। एक सवाल रेणु जी, आप लीजिएगा, किसी ने पूछा है सवाल, जी, मैंने अभी जी वो सवाल मैं पूछिए, ये सवाल है वो। सुरेखा जी ने पूछा है नीलम कि आपके एक दिन में कितने घंटे होते हैं? मुझे लगता है कि मेरे दिन में 36 घंटे होते हैं। क्वालिटी, फैमिली, सेल्स, कितना टाइम निकाल पाती हैं? और अलका जी ने पूछा है कि आप क्या लिखना लिखना क्या आसान लगता है आपको, कविता या कहानी? तो पहले पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी कि मैंने ये पहले भी कहा है इस मंच पर कि मेरे पास वक्त की कमी इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैं जो इडियट बॉक्स है उसको बहुत कम देखती हूँ। मैंने शायद ही जो है, कुछ फ्रेंड्स आते हैं, अब कुछ राखी का प्रोग्राम हो या कोई मिलन जी ने पिक्चर बनाई हो तो मैं जरूर देखती हूँ। अन्यथा नहीं, अपने फ्रेंड्स को सुनना और देखना तो अच्छा लगता ही है, परंतु मेरे रूटीन में टीवी शामिल नहीं है।
और मैं अपनी लाइफ को बड़ी फोकस जीती हूँ कि सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, और मस्त जीती हूँ, यानी किसी बंदिश में नहीं जीती। मैं मेडिटेशन भी खूब करती हूँ, तो उससे फोकस्ड रहने में मुझे बहुत मदद मिलती है। मैं कुछ वक्त टीटी जैसे गेम के लिए भी चुरा लेती हूँ, वॉक भी कर लेती हूँ और लिख भी लेती हूँ। और बहुत बहुत चलिए बहुत ये मैं बताना चाहूंगी कि मैं बहुत सोती भी हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे करेगा कि बहुत सोती हूँ सोचती भी है और अब इतना काम भी कर लेती है। मिलिन जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं कि आने वाले समय में आप की कहानियों में कुछ तब्दीली या कुछ डिफरेंट आप सोचना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपका पूरा फॉर्म देखा है, तो वो एक फॉर्म बिल्कुल है, कंसिस्टेंट है, जो मैंने 5 साल पहले भी जो पढ़ी थी कहानियाँ, तो एकदम है। तो कहीं आपने कॉन्शियसली सोचा है कि मैं एक नए फॉर्म को इजाद करूंगी या कोई डिफरेंट, क्योंकि आपके सारे कैरेक्टर तो बिल्कुल मेरे आसपास ही दिखाई देते हैं मुझे, जैसे आप कहानी पढ़ते हो कि अच्छा इसको तो मैं यही मिला हूँ, मतलब हर कैरेक्टर मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं मिला हूँ, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल दिल से जुड़ने वाली बात है। बट फॉर्म के हिसाब से कुछ आप नया कुछ सोच रही है तो मैं जानना चाहूंगा। मैंने एक फैंटेसी बुक लिखना शुरू किया है जो कि यंग एडल्ट्स के लिए है तो मैंने सोचा रियलिज्म तो में ये सब बिल्कुल बहुत आपसे मैंने निकाल ही लिया, ये सवाल पूछ के इसी पे निकाल ये ही क्रेडिट तो गया आधे को जाता है। मैंने लगभग इसे आधा लिख भी लिया है और मुझे खुद को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी लाइन, पर मैं इस एज के बच्चों को पढ़ा कर देखना चाहूंगी कि क्या उनको भी ये इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। यदि आएगा तभी मैं इसे किताब का फॉर्म देना चाहूंगी। सुधा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? इन्होंने जो अभी फैंटेसी बुक की बात की, तो इन्होंने कहा कि पहले मैं रिएक्शन देखूंगी। अब जब तक वो किताब में नहीं आएगा, आप कहाँ लिखेंगी, कैसे देखेंगी रिएक्शन, मतलब किसको सुनाएंगी और कैसे आप अपने ऑडियंस तक या रीडर्स तक पहुंचेंगी? नहीं, अब मुझसे बहुत लोग कनेक्टेड है। मैं इनफैक्ट जैसे बच्चों के लिए भी लिखती हूँ तो सबसे पहले बच्चों को सुना के देखती हूँ कि उनको वो पसंद आ भी रही है कि नहीं, या मैं किसी और लेवल पे हूँ और वो किसी और लेवल पे है। तो जो है मैं यही कोशिश इसमें भी करूंगी कि कुछ जो है फ्रेंड्स या उनके बच्चों को पढ़ा के देखूंगी, अपनी बेटी के फ्रेंड्स को पढ़ा के देखूंगी कि उन लोग को अच्छी लग रही है क्या। मुझे जब तक 8-10 लोग पास नहीं करते तब तक मैं उसे पुस्तक के रूप में नहीं लाती हूँ। हाँ, मतलब आपके ऑडियंस और आपके रीडर हैं आपके आसपास, उसके बाद आप जी, एक बड़े बड़े फील्ड उनसे में भी जाएंगी उनसे किताब लिखते, ये बहुत अच्छी बात है। जी। हाँ, आप नीलम अपनी कोई रतन कविता जी सुना देंगे, छोटी सी? अब बात तो हम लोग जी इस किताब की कर रहे हैं, कोई कविता छोटी सी जी सुना देंगे आप? बिल्कुल सुनाऊंगी। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, तब तक जो है मैं कुछ निकालती हूँ। हाँ, रतन हाँ, शिल्पी अब सोचा जी, नहीं रतन होगा। शिल्पी जी हैं। इन्होंने लिखा है कि आप लोगों से विनती है कि आजकल समाज के में जो दिशा दशा दिशा है उस पर कहानी लिखेंगे तो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, ये मेरा विचार है। मैं एक समाज का सेवक हूँ, मेरे पास कोई तथ्य हैं, अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं साझा करूँ। तो हम समाज पर ही सब लिखा जाता है रतन जी, और समाज पे अपने आसपास के परिवेश में जो देखा जा रहा है उसी पर लिखी गई है कहानियां। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। धन्यवाद आपको लिखने के लिए। रेनू, एक 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 बात और कहना चाहूंगी, मुझे अभी याद आई, मैंने जैसे कहा कि मैं थोड़ी फेमिनिस्ट हूं। अच्छा, फेमिनिस्ट हूं क्योंकि ऐसे ही नहीं कि फेमिनिस्ट बन गए कि जैसे आजकल वो एक्टिविस्ट बने हुए हैं, उस तरह नहीं, कुछ बचपन से ऐसा कुछ देखा है जिसकी वजह से फेमिनिस्ट बनी। बिल्कुल लेकिन अब जी, रिसेंटली बिल्कुल मेरी एक दोस्त बनी है जिनको प्रॉब्लम, देखिए अपनी शायद बहू से हो, और मैं नहीं जानती गलत कौन है सही कौन है, मुझे नहीं मालूम,
लेकिन वो मुझसे ये कहती है कि भाई सुधा जी, हमेशा आदमी थोड़ी गलत होते हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं, तो आप उनके ऊपर लिखिए, क्योंकि मैं फेमिनिज्म पे काफी लिखती हूँ। अब मैंने कहा भाई देखिए, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से लिख रही हूँ, अपने जो मैंने देखा है उसको देख के लिख रही हूँ। अब ये दूसरी जो परिप्रेक्ष्य है उसमें या तो कोई मुझे कुछ बताए या मैं इमेजिन करूं। अब इमेजिनेशन में जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं, तो मैं नीलम जी से कहना चाहूंगी कि आप उसका एक दूसरा रूप भी, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी कहानीकार हैं, ज्यादा लिखा है आपने कहानी, मैंने कविताएं ज्यादा लिखी हैं, तो आपने कहानियां ज्यादा लिखी हैं, तो उसका एक दूसरा पक्ष भी देखिए जहां पुरुष सफर करते हैं। जी, मैंने इस तरह की कहानियां भी लिखी हैं, क्योंकि कहानियों के हरदम, कोई भी चीज के हरदम, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो मैंने इस तरह की टू साइड्स कहानियां भी टू। लिखी हैं। और इसमें भी मैंने फेमिनिज्म में सिर्फ ये कहा है कि एवरीबॉडी शुड हैव अ चॉइस। मैंने यहाँ पे भी इस कहानी संग्रह में भी कहीं ये नहीं कहा कि ये सही है या ये गलत है। मैंने बस ये कहा है कि एवरीबॉडी शुड हैव अ चॉइस। व्हाट आई शुड डू विद माय लाइफ, आई शुड हैव अ चॉइस। तो ये चॉइस तो दोनों करेक्ट। के लिए उतनी ही होती है ना। और जैसे मिलिंद जी ने हाँ कहा कि मदरहुड एक्सटेंड्स नॉट ओनली टू द मदर्स, टू द मदर्स बट ऑल्सो टू फादर्स। तो टू फादर, उनकी करेक्ट। भी समस्याएं हैं, और मैंने समाज में देखा भी है ऐसा, कई लोगों को सफर करते हुए जहां पे लड़कियां उनको तंग करती है, परंतु जिस तरह लड़के तंग कर सकते हैं उस तरह लड़कियां भी तंग कर सकती है, और यही ऐसे ही समाज है, तो कोई भी किसी को तंग कर सकता है और उसपे कहानी बन सकती है। तो मैं ये नहीं मानती कि कोई एक जेंडर ही गलत होता है, या जैसे कि मैं ये नहीं मानती कि कोई एक वर्ण ही गलत होता है, या कोई एक जात ही गलत होती है, या कोई एक धर्म ही गलत होता है। इनफैक्ट बीच में मैंने कुछ ऐसा लिख दिया था, तो एक जन ने मेरी बहुत भयंकर ट्रोलिंग की थी, क्योंकि मैंने वो पोएम में सिर्फ एक ऐसा लफ्ज यूज किया था जो उनके अनुसार एक हिंदू को नहीं यूज करना चाहिए। तो मैंने उसमें आखिरी में लिखा था कि अगर आपका हिंदुइज्म का मतलब ये है तो सॉरी, आई एम नॉट ए हिंदू। उसके बाद उन्होंने वो कुछ नहीं कहा। तो मैं इन डिविजन्स को नहीं मानती, ये मैनमेड डिविजन्स हैं, और जो है हमारे बीच कोई दूरियां नहीं होती हैं। हम सब एक है, इंसान है सबसे पहले, उसके बाद कोई और है। मेरा नाम भी पता नहीं, मेरे माँ पिताजी ने नीलम रखा है, मैं कोई और भी हो सकती हूँ। और अगर हम हिंदुइज्म की फिलॉसफी को माने तो अगले जन्म में मैं कोई और ही बन के पैदा होंगी, तो ना ये जिस्म मेरा है ना कुछ मेरा है, बस सिर्फ एक रूह में मेरा डेरा है। हाँ ये जो बहुत बीच अच्छा में, लगा। सॉरी बोलूं मैडम, हाँ ये हाँ जो बिल्कुल कुछ जी, वक्त बोले। पहले, कुछ वक्त पहले मी टू का वो चला था, एक सॉर्ट ऑफ आंदोलन कह लीजिए या जो भी कुछ, और भरमार हो गई थी, तो मैं वो सारी स्टोरीज पढ़ती थी, क्योंकि जब तक मुझे कन्विक्शन ना हो कि कौन सही है कौन गलत है, मैं उसके ऊपर मतलब ओपिनियन नहीं बनाती। और चूंकि मेरा नेचुरली मैं फेमिनिस्ट ज्यादा हूं, क्योंकि मैंने वो ज्यादा देखा है, तो मी टू के उसमें भी मैंने अपना कुछ इनपुट दिया, कुछ लिखा था, तो किसी ने उसका जवाब ये दिया कि आप उसके वही वाली बात कि आप उसके लड़की के ऊपर क्यों नहीं लिखती, और लड़कियां भी तो गलत है। मैंने कहा हाँ मैंने माना, लेकिन सदियों से सफर तो लड़कियों ने किया है, एटलीस्ट 90%। हाँ 10% गलत हो सकती है, और ये सही इत्तफाक सही है कि बात। मैंने 90%, तो मैंने कहा कि हाँ वो सदियों वाली बात। एक्चुअली आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन ना, इसका कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि सब नहीं लोग अपने ओपिनियन है। लेके जीते हैं, और उनको अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है, परंतु हमारा ओपिनियन क्या होना चाहिए एज अ लेखक, ये हम कि हम सोचेंगे। जो कहेंगे, जो हम कहेंगे उससे बहुत समाज अफेक्ट होगा, डेट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एक दो लोगों के ऐसे बातों में नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है, जो मुझे सही लगे हाँ और वो बात मैंने खुलकर कहनी चाहिए, तभी मैं सच्ची तौर पे लेखक या कवि हूँ, ऐसा मेरा मानना है, और मैं यही कोशिश करती हूँ। नीलम जी, और हाँ अक्षर, आपकी बात को समराइज करने के नीलम लिए दो लाइनें बोलूंगा। जी,
हाँ सीरत अच्छी है ना, सीरत अच्छी है, अच्छा वो है जिसकी नीयत अच्छी है। बस बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही है, बहुत बहुत सही सही, कहा बहुत आपने, सही, बस बहुत नियत सही इसीलिए। है। और हम समाज में तो अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं, पर हमको परसेंटेज देखना होता है ना कि परसेंटेज किसका हाई है। हम एक्सेप्शनल केस को, हाँ, बिल्कुल उसको नहीं ले सकते कि आपने किसी बिल्कुल एक को तो जनरलाइज कर दिया, उसको जो मेजोरिटी गलत है तो हम हाईलाइट तो उसी को करेंगे। तो इसीलिए मीटू पे बिल्कुल। ज्यादातर वो लड़कियों का पक्ष रखा गया क्योंकि मेजोरिटी उन्हीं की थी। अक्षय जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मी टू में मैं एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि मतलब कि ये है कि मतलब इस तरह का करने का हक सिर्फ पुरुष का तो नहीं है ना, स्त्री का भी तो हक हो हाँ, सकता है ना। तो वही मतलब तो। अगर गलत भी है तो, अगर गलत तो हम बाद में सोचेंगे गलत है कि सही है, पर वो हाँ, जो सही बात। ये हिस्सा करता तो वो हिस्सा भी कर सकता है ना, वो भी अपने आप में जस्टिफाई था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पर उसने नहीं किया। मुझे ये लगता है कि ये जो चर्चा है, अगर हम इस विषय पे करें तो शायद नीलम जी हम एक और चर्चा इस पे कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो इसके लिए बिल्कुल अगला, इसके बिल्कुल लिए अगली बार आज आज ये लिखाएंगे। आज के लिए हमारा तमाम रंग का तोहफा ही रहने सामग्री। देते हैं। जी अक्षत जी, जी आपको कुछ पूछना जी है नीलम तो आप जी, नीलम जी जी बात जी। नीलम जी, एक समय मैं किसी आप लोगों से अब विदा लेना चाहूंगी। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी क्योंकि कुछ ऐसी अब व्यस्तताएं आ गई हैं, तो मैं बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और बहुत बातें और होंगी, और एक नया एडिशन रेनू, मैं आपसे भी ये बात कहती हूँ, एक नया एडिशन हम करेंगे जरूर जल्दी ही। और बिल्कुल अक्षय, एक बिल्कुल बार जल्दी। फिर बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद, आपसे मिलकर बातें कर सुनकर अच्छा लगा। और फिर हम बातें करेंगे सुधा जी, आपसे तो बहुत बातें होंगी क्योंकि आप महिलाओं पे काम करती हैं, तो बहुत चर्चा होने का स्कोप है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, नीलम जी बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद थैंक थैंक यू राठौर जी। यू तो नीलम जी, मैंने किसी एक राइटर का या किसी एक एडिटर का एक कमेंट या कोई एक लाइन कभी पढ़ी थी, दैट वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन फॉर एन ऑथर इज राइटिंग। ये किस हद करेक्ट, तक सही है? ये बहुत हद तक सही है। और राइटिंग को कई लोग कैथार्टिक भी बोलते हैं, तो राइटिंग जो है आपको फोकस्ड रहने में मदद करता है। बिल्कुल मेडिटेशन का अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम तो यही है कि हम फोकस्ड रहें और एक विचार से बंधे रहे। और उसको, जैसे कि मैंने जो रंग भरा तोहफा नामक मेरी जो कविता सुनाई थी, उसमें कहा था कि कुछ पुराने गम थे, कुछ पुरानी खुशियां थी, और गम को मैंने, गम के बुलबुलों को फोड़ दिया और खुशी के बुलबुलों को आगे बढ़ने दिया। तो उसी तरह जब हम राइटिंग करते हैं तो हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थॉट्स जो है उनको एक डायरेक्शन देके निगेटिविटी को हटाने में और पॉजिटिविटी को आगे लाने में एटलीस्ट मुझे तो मदद करता है। और अगर कभी मैं निगेटिव भी लिखती हूँ, कुछ पोएम्स मेरी कुछ दर्द की बात भी करती हैं, क्योंकि अगर मैं किसी को देख लेती हूँ दर्द में तो मेरा जो मन है बड़ा ढोल जाता है, मैं लिख जाती हूँ। बट ऐसे समय पे भी मुझे लगता है कि जो है मैंने थॉट्स को फोकस करके उन जो थॉट्स जो मेरे मन को दहला रहे थे उनको मैंने अलग कर दिया, और जो है उसका कुछ कभी नतीजा नतीजा मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। परंतु जो है मुझे लगता है कि राइटिंग से बेहतर कोई मेडिटेशन का फॉर्म नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, एकदम सही कहा। थैंक यू, थैंक यू। तो एक बार बहुत बहुत बधाई नीलम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी किताब के लिए। और यहीं हम अपना सेशन आज एंड करते हैं। हमसे जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो समय निकाल कर आए। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षत जी, सुधा जी, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय हमको दिया, बहुमूल्य समय दिया, और यहाँ पर आए, अपने विचार प्रस्तुत किए, हमसे जुड़े। और आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा है हम फिर से मिलेंगे और फिर से कहीं किसी चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के साथ आप सबसे विदा, शुभकामनाएं, गुड नाइट, शब गुड खैर, नाइट, गुड नाइट सो एक मच, मिनट, थैंक यू। नमस्कार। एक मिनट रेनू, एक बात कहना जी जी चाहूंगी। मुझे जी ये देख के बड़ी जलन हो रही है
कि आप सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मिल भी चुके हैं, एक मैं ही नहीं नहीं मिली नहीं हूँ। पहली अच्छा बार मिल रही हूँ इन लोगों से, पहले मैं भी नहीं मिली थी, आप ही की वजह से मैं पहली बार मिल रही हूँ जी। तो अच्छा जलन तो करें मुझे नहीं और अगली पता, बार हम फिर मुझे मिलेंगे। हाँ नहीं कितना पॉसिबल है, अगर कोई बेंगलोर भी आए तो मैं चाहूंगी कि हाँ मुझसे जरूर मिले, बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल मुझे बिल्कुल शौक है दोस्त बनाने का। और अक्षत बिल्कुल जी से बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि आप, मैं अगर भेजूं तो आप मेरे लिए मेरी किताब छापेंगे, मतलब सुधा जी, आप मेरे को एक बार ही व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा तो हम वहां पे बात करते हैं। जी ठीक, जरूर जरूर, ठीक है, थैंक यू थैंक जी, ओके, यू, अच्छा, ऑल थैंक द बेस्ट, थैंक यू, यू थैंक अक्षत, यू थैंक यू सो मच, सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू कनिका, थैंक यू सो सो मच, वंडरफुल मच। सेशन सुधा।